सबके सामने जज साहब ने कहा, अरविंद केजरीवाल की मैं नहीं बात कर रहा, जज साहब ने बकायदा कहा कि सीबीआई ने जो कहा वो गलत कहा है, झूठ कहा है। आज जो कोर्ट के अंदर हुआ, मेरे ख्याल से आज देश के सामने सीबीआई का चेहरा बेनकाब हो गया। देश के सामने आज सीबीआई रंगे हाथों पकड़ा गया कोर्ट के अंदर झूठा बयान देते हुए। आज क्या हुआ, आज पूरे दिन सुनवाई चल रही थी, उनके वकील ने कुछ तर्क रखी, हमारे वकील ने कुछ तर्क रखी, लेकिन इन सारे चीजों के बीच में सीबीआई ने एक स्टेटमेंट दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का पूरा ठिकरा मनीष सिसोदिया के ऊपर फोड़ दिया है, उन्हें दोषी बना दिया है। और जब उन्होंने ये कहा तो अरविंद केजरीवाल जी खुद स्वयं खड़े हुए और कहा कि सीबीआई झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी निर्दोष है। और यह भी कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कि सीबीआई का मकसद, ऐसे स्टेटमेंट देकर उनका मकसद केवल और केवल मीडिया में सेंसेशन क्रिएट करना है, वो चाहते हैं कि ये हेडलाइंस बनी रहे, अखबारों के पहले पन्ने पे ये हेडलाइन छपे कि देखो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोल दिया। और उन्होंने चैलेंज किया कि मेरा बयान मुझे पढ़ने दीजिए और मैं दिखाता हूं कि ऐसा कोई बयान मैंने नहीं दिया। तो तब जज साहब ने भी इंटरवीन किया और खुद उन्होंने जब अरविंद केजरीवाल जी का बयान पढ़ा तो उन्होंने भरी अदालत में सबके सामने जज साहब ने कहा, अरविंद केजरीवाल की मैं नहीं बात कर रहा, जज साहब ने बकायदा कहा कि सीबीआई ने जो कहा वो गलत कहा है, झूठ कहा है, और जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं वो सच है, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो जो दो साल से हम कहते आ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा दिल्ली का कथित शराब घोटाला फर्जी है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, केवल और केवल सीबीआई और ईडी बीजेपी का एक पॉलिटिकल विंग बनकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, केवल और केवल आम आदमी पार्टी की छवि धूलमिल करने के लिए काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, वो आज भरी अदालत में देश के सामने ये बाहर आ गया कि कैसे सीबीआई केवल और केवल एक राजनीतिक भोपू है, झूठ बोलता है, अपनी चार्जशीट में भी झूठ लिखता है और कोर्ट के सामने में भी झूठ बोलता है। कोई ऐसा हम उस नजरिए से नहीं देखते हैं। मेरे ख्याल से धीरे धीरे अब देश के सारे लोग समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से मेरे ख्याल से अब तक भाजपा ने किसी एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के पीछे भी सारी एजेंसी और सारी ताकतें नहीं छोड़ी है, वो सारी एजेंसियां आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर बंद करने के लिए छोड़ दी है।